जो काफी लोग हैं आप देख सकते हैं। देखिए ये इधर दिखाइए एक बार, ये कुछ यहाँ नारे भी लगाए जा रहे हैं। देखिए क्यों लगाए जा रहे हैं नारे, देखिए काली शर्ट और पेंट में यहाँ पर न्याय की मांग कर रहे हैं, न्याय दिलाने के लिए यहाँ कहा है कि किसी कोई, हम आपको बता देते हैं क्या मुद्दा है। ये मुद्दा है कुछ समय पहले टोहाना के अंदर रेलवे से, रेल के अंदर से इसकी बहन को फेंक कर मार दिया गया था और उसी के न्याय के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इसकी बहन को जो ट्रेन से फेंक के एक मार दिया गया था किसी दरिंदे द्वारा और उसको उसी के न्याय के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं लगातार। आप देख सकते हैं कैमरे में हम आपको दिखा रहे हैं कि इसकी बहन को ट्रेन से फेंक कर मार दिया था, ट्रेन से फेंक के मार दिया गया था दरिंदे द्वारा, उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की जा रही थी और उसी का न्याय लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं लगातार। आदमपुर के अंदर ये न्याय की मांग कर रहे हैं, बहुत बड़ा मामला था। इसकी बहन जो रोहतक से चल के टोहाना जा रही थी और रास्ते में किसी दरिंदे ने उसे ट्रेन से नीचे फेंक दिया था, उसी के न्याय के लिए ये यहाँ पर न्याय मांगने के लिए आज आए थे। क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, वो आज यहाँ रैली करने के लिए पहुँचे हैं और इनकी बहन की अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने अपनी जान दे दी और उसी के न्याय के लिए आज ये यहाँ पर पहुँचे थे। लेकिन जब ये यहाँ पर पहुँचे, इन्होंने नारेबाजी की तो जो सुरक्षा अधिकारी थे उन्होंने इसे उठाकर बाहर फेंक दिया है। तो देख सकते हैं मनोहर लाल खट्टर आज रैली करने के लिए आदमपुर में आ रहे हैं। यहाँ पर उपचुनाव चला हुआ है, भव्या बिश्नोई के पक्ष में वो यहाँ पर आए हैं वोटरों की अपील करने के लिए। तो देखते हैं क्या भव्या बिश्नोई या जो जयप्रकाश जेपी हैं वो जीतेंगे। तो देख सकते हैं, बने रहें रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ, लगातार हम आपको रैली की जो कवरेज है वो देते रहेंगे। सही है, आज आदमपुर में पहुंचे हैं जहां पर सीएम मनोहर लाल खट्टर की आज रैली है। तो आप देख सकते हैं, मैं चाहूँगा कैमरामैन से कि एक बार ज़रूर दिखाएं कि मनोहर लाल हरियाणा के जो सीएम हैं उसकी रैली में कितने लोग आदमपुर में पहुँचे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं, हम आपको चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं कि आदमपुर की जो अनाज मंडी है उसके अंदर रैली का आयोजन किया जा रहा है और कुछ ही समय में मनोहर लाल खट्टर यहां पर पहुंचने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि कितने लोग हैं जो आदमपुर में पहुंचे हुए हैं। ये हमारे पीछे है जो ये रैली स्थल है और यहां पर संबोधित किया जा रहा है जो बीजेपी के नेता हैं उनके द्वारा। हम आपको एक बात और साझा करना चाहेंगे कि यहां पर जेजेपी और बीजेपी की जो गठबंधन की सरकार है, लेकिन जेजेपी का कोई भी नेता मत साझा नहीं कर रहा है। तो ये बहुत ही बड़ी और सोचने वाली बात है, इतनी बड़ी रैली है, उपचुनाव आदमपुर का चला हुआ है जिसके अंदर कोई भी जेजेपी का नेता इस बड़ी रैली पर मंच जो साझा नहीं कर रहा है। क्योंकि कल बाल संबंध के अंदर हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, उन्होंने एक रैली को संबोधित किया था, सिर्फ और सिर्फ दुष्यंत चौटाला या निशांत सिंह, और कोई इतना बड़ा नेता है जो वो आदमपुर के अंदर देखने में नज़र नहीं आया है। तो आप देख सकते हैं कि आज मनोहर लाल खट्टर की रैली में यहाँ काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं। लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी, कहाँ से आए हैं? बाणा साहब। तो आज क्या लगता है आपको, बाणा से आए हैं, मनोहर लाल की जो रैली है किस प्रकार देखते हैं इसको किस प्रकार क्या जी, आज क्या देखना, ये तो जिस दिन चुनाव डिक्लेयर हुए थे उसी दिन देख लिया था जी। एक तरफा माहौल है, यादव किसका एक तरफा माहौल है भी नहीं जी। क्या लगता है रैली के अंदर, बताया गया है कि यहाँ पर जो काफ़ी लोग हैं आप देख सकते हैं। देखिए ये इधर दिखाइए एक बार, ये कुछ यहाँ नारे भी लगाए जा रहे हैं। देखिए क्यों लगाए जा रहे हैं नारे, देखिए काली शर्ट और पेंट में यहाँ पर न्याय की मांग कर रहे हैं, न्याय दिलाने के लिए यहाँ कहा है कि किसी कोई, हम आपको बता देते हैं क्या मुद्दा है। ये मुद्दा है कुछ समय पहले टोहाना के अंदर रेलवे से, रेल के अंदर से इसकी बहन को फेंक कर मार दिया गया था और उसी के न्याय के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इसकी बहन को जो ट्रेन से फेंक के एक मार दिया गया था किसी दरिंदे द्वारा और उसको उसी के न्याय के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं लगातार। आप देख सकते हैं कैमरे में हम आपको दिखा रहे हैं कि इसकी बहन
इसकी बहन को ट्रेन से फेंक कर मार दिया था, ट्रेन से फेंक के मार दिया गया था दरिंदे द्वारा, उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की जा रही थी और उसी का न्याय लेने के लिए ये यहाँ पर आए हुए हैं। लगातार आदमपुर के अंदर ये न्याय की मांग कर रहे हैं, बहुत बड़ा मामला था। इसकी बहन जो रोहतक से चल के टोहाना जा रही थी और रास्ते में किसी दरिंदे ने उसे ट्रेन से नीचे फेंक दिया था, उसी के न्याय के लिए ये यहाँ पर न्याय मांगने के लिए आज आए थे। क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, वो आज यहाँ रैली करने के लिए पहुँचे हैं और